मुख्यमंत्री कमलनाथ के 3 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे का आज दूसरा दिन, जिले के अफसर और प्रतिनिधियों से क्षेत्र की व्यवस्थाओं करने का चर्चा। राम मंदिर पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बड़ा बयान, कहा मोदी एवं योगी के रहते राम मंदिर निर्माण का रास्ता ना निकले तो यह लोगों के लिए होगा धक्का, इट विल बी शॉक टू द पीपल। नए साल से मध्य प्रदेश में नया निजाम, नए मंत्री और नए मुख्य सचिवों के मुहंती के सामने कांग्रेस के वचन पर खरा उतरने की चुनौती, दिग्गी की गुडबुक में पहले से है नाम दर्ज। 2 साल बाद मध्य प्रदेश में भी दिखेगा नोटबंदी का असर, जिनका बढ़ा करोड़ों का टर्नओवर, उनकी आय शामत, इनकम टैक्स में नोटिसों ने राजधानी के बड़े बड़े धरना सेठों की उड़ाई ली। आज से अस्तित्व में आई के कोलार तहसील, राजस्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत करेंगे शुभारंभ, 14 वार्ड की 5 लाख से ज्यादा आबादी को मिलेगा सीधा फायदा। गुरु घासीदास की जयंती पर सीएम भूपेश बघेल ने की पूजा, गुरु को बताया सच्चाई का प्रतीक, किसानों की कर्ज माफी पर बोले सीएम, कर्ज माफी के बाद किसानों को पानी भी कराएंगे उपलब्ध। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का बयान, 100 दिनों के अंदर शुरू होगी बंद पड़ी राशन आईजी, बिना दिक्कत के होगी राशन की आपूर्ति। सीएम भूपेश बघेल ने छोटे भूखंडों की खरीद बिक्री से रोक हटाई, 5 डिसमल से कम की जमीनों की भी हो सकेगी रजिस्ट्री, कम आय वर्ग के लोगों के चेहरे पर खुशी की लहर। शाहजहांपुर पहुंचे सीएम योगी, शहीद ठाकुर रोशन सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मध्य प्रदेश में थम नहीं रहा शीतलहर का प्रकोप, कहना में दूसरे दिन भी पारा 0 पर टिका, मंडला में भी तमाम जो तापमान लुढ़क कर 3.6 डिग्री पर पहुंचा, जंगल के पशु पक्षी भी हुए ठंड से बेहाल।